Saiyam children, I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class we are going to continue our same chapter, Sabsak Part 14. But today we are going to continue in our workbook. In book, we have done reading and we have done book exercise and in notebook also we have discussed Kathinsha uttar

भरो गरम-गरम धूप गरम में वह डैश पर चलते गए वो कहाँ पर चलते गए सड़क पर चलते गए कुछ डैश हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे क्या सुखाकर रखने की बात हुई थी आम को सुखाकर रखने की बात हुई थी तभी आसमान में से काला क्या गुजरा था काला बादल गुजरा मैं नारियल की डैश खा सकता हूँ क्या खा सकता हूँ नारियल के अंदर क्या होती है गिरी होती है ना वो खा सकता हूँ दूसरे भाई ने वही अपनी क्या बनाई थी झोपड़ी क्या बनाई थी झोपड़ी प्रश्नों के उत्तर लिखो तीनों भाई किस चीज की तलाश में घर से निकले तीनों भाई नए घर की तलाश में घर से निकले अंडरस्टर्ड तीनों सबसे पहले कहाँ आराम करने बैठे तीनों सबसे पहले आम के पेड़ के नीचे आराम करने बैठे नेक्स्ट कौन से भाई को आम का पेड़ पसंद आया बड़े भाई को आम का पेड़ पसंद आया बड़े भाई को आम का पेड़ पसंद आया Understood? दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे रहने का फैसला किया दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे रहने का फैसला किया नाउ टर्न योर पेज तीसरे भाई ने अपना घर बनाने के लिए कौन सा पेड़ चुना तीसरे भाई ने नारियल के तले अपना घर बनाने का पेड़ चुना। अंडरस्टूड अपने मन पसंद पेड़ का नाम बताओ और लिखो कि वह तुम्हें क्यों पसंद है आम का पेड़ मनपसंद है मेरा मेरा आम का पेड़ मन पसंद है क्योंकि आम बहुत क्या होता है मीठा होता है क्या होता है बहुत मीठा होता है और ये फलों का राजा है ये फलों का राजा है अंडरस्टो नाउ नेक्स्ट वृक्ष हमारे मित्र इस पर आठ पंक्तियां लिखो वृक्ष हमारे अच्छे मित्र हैं इनमें हमें फल सब्जियां लकड़ी आदि प्राप्त होती है जैसे हमें फल मिलता है लकड़ी मिलती है लकड़ी कैसे मिलती है आम की लकड़ी होती है जिससे हम हवन करते हैं और लकड़िया हमें चूल्हा जगाने के लिए भी काम आती है सब्जियां मिलती हैं हमें नेक्स्ट लकड़ी से फर्नीचर कागज गोंद और माचिस आदि बहुत सारी वस्तुएं तैयार की जाती है अंडरस्टूड वृक्ष से बहुत सारी बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे बहुत सारी की जगह लिखेंगे सारिया की जगह बहुत सी बहुत सी औषधियाँ तैयार की जाती हैं बहुत सी औषधियाँ तैयार की जाती हैं अंडरस्टूड वृक्ष न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं जो वृक्ष होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ में ताज़ी हवा मिलती है और वो बहुत सुंदर भी लगते हैं दिखने में अंडरस्टूड और जो हवा होती है उसको और भी शुद्ध बनाते हैं नेक्स्ट पेड़ पर पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं पेड़ पर पक्षी क्या करते हैं अपने घोंसले बनाकर रहते हैं नेक्स्ट तपती धूप में वृक्ष मनुष्य को मनुष्य को क्या प्रदान करते हैं मनुष्य को छाया प्रदान करते हैं मनुष्य को छाया प्रदान करते हैं और उसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं मैंने ये लाइन यहाँ लिखी है कंटिन्यू पार क्या करते हैं तपती धूप से वृक्ष मनुष्य को छाया प्रदान कर उसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं ओके नेक्स्ट वृक्ष हमारे रक्षा कवच है वृक्ष हमारे क्या है रक्षा कवच है वृक्ष शुद्ध पर्यावरण के लिए वरदान है वृक्ष शुद्ध पर्यावरण के लिए वरदान है अंडरस्टूड दिस यू हैव टू राइट इन योर बुक एंड लर्न अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट दाएं और लिखे वाक्यों को बाई और लिखे उचित वाक्य से मिलाएं, ओके जब वे पक जाएंगे तो तो क्या करेंगे हम हम मीठे मीठे आम खाएंगे जब वो पक जाते हैं तो यहाँ पे आएगा क आपको हिंदी में ही डालना है वन टू थ्री नहीं डालना अंडरस्टूड एक दिन सुबह के समय तीनों क्या कर रहे थे एक बार सुबह के समय तीनों यस तीनों घरों की तलाश में निकल पड़े ख, घरों की तलाश में निकल पड़े रस्सियों और चटाइयों को मैं क्या करूंगा रस्सियों और चटाइयों को मैं यस बढ़िया नहीं सॉरी रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूं ग पार रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूं नेक्स्ट केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे क्या मिलेंगे बढ़िया केले खाने को मिलेंगे घे अंडरस्टूड नेक्स्ट लास्ट तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और रहने लगा अंडरस्टूड ओके नाउ कम टू नेक्स्ट नाउ नीचे लिखे वाक्यों में मैं और मे का सही प्रयोग करके वाक्य पूरा करें मे क्या होता है हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बात कर रहे हैं और मैं क्या होता है जब हम अपनी बात करते हैं अंडरस्टूड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट तीनों भाई नए घरों की तलाश में तो घर हमारी कोई वस्तु है उसकी तलाश में निकले थे अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट गरी सुखा कर, गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूं मतलब अब मेरी बात हो रही है अंडरस्टूड मैं और मैं आपको अंतर समझ आया होगा ये हो दिस यू विल डू अंडरस्टूर नेक्स्ट फलों के अलावा आम के पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है आम के पत्ते आम का अचार और और क्या लिख सकते हैं आम की लकड़ी हवन में यूज होती है ना आम की लकड़ी भी लिखेंगे आप यहाँ पे अंडर नीम के पेड़ से क्या क्या फायदे हैं नीम के पेड़ से बहुत सी औषधियाँ बनाई जाती हैं जो शरीर के रोग ठीक करती है जो शरीर के रोग ठीक करती है चार छायादार पेड़ों के नाम लिखो केले का पेड़ छायादार होता है क्योंकि उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं आम का पेड़ पीपल का पेड़ नीम का पेड़ अंडरस्टूड आम का पेड़ बहुत घना होता है पीपल का पेड़ भी बहुत घन घना होता है और नीम का पेड़ हमें रबड़ किस पेड़ से मिलती है रबड़ के पेड़ से मिलती है नारियल के पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है नारियल के पेड़ से रस्सियाँ और चटाइया गोले का तेल और और क्या मिलता है कटोरे कटोरे बन सकते हैं उसके जो खोपरा होता है उससे प्याले प्याले भी बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत सख्त होता है आदि छिलके को साफ करके हम ये वस्तुएं बना सकते हैं नेक्स्ट छह फलदार वृक्षों के नाम लिखो फलदार वृक्षों के नाम लिखो मैंने टू लिखे है बाकी आप खुद लिखेंगे आम का पेड़ केले का पेड़ इसमें फल लगते हैं केले के पेड़ में केले लगते हैं और ये बहुत छायादार और फलदार होता है आम का पेड़ आम के पेड़ पे भी फल लगते हैं और ये भी छायादार होता है और इस पर खूब सारे फल लगते हैं चार ऐसे पौधों वृक्षों के नाम लिखो जिनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है केले के पेड़ की पूजा की जाती है थर्सडे को पीपल के पेड़ की की जाती है और तुलसी के पेड़ की की जाती है Understood? One, आप खुद लिखेंगे अंडरस्टोर नेक्स्ट नाउ योर पेज चार ऐसे पेड़ों पौधों के नाम लिखो जो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं नीम का पेड़ तुलसी का पौधा ये दवाइयों बनाने के काम आती हैं दो आप खुद लिखेंगे नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा काम आता है जड़ी बूटी में हम चाय में भी डाल के पीते हैं या कोई बीमार हो जाता है वो उबाल के उसके पत्ते नीम का पेड़ कैसे होता है चौकट पे बांधो तो जितनी भी जैसे माता आ जाती है तो नीम के पत्ते उसमें हमारी सहायता करते हैं दो फूलदार पेड़ों के नाम लिखो फूलदार पेड़ कौन से होते हैं सूरजमुखी का पेड़ और चमेली का पेड़ आपने देखा है सूरजमुखी का पेड़ कैसा होता है देखिए ऐसे होते हैं सूरजमुखी के फूल अंडरस्टूड बहुत सारे लगते ये और चमेली का ये देखिए चमेली का ऐसा होता है अंडरस्टूड ये बहुत सारा लगता है बहुत फूलदार होता है ये पेड़ ये और सूरजमुखी और भी हैं, बट मैंने आपको ये टू बताए अंडरस्टूड नाव शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ पहला है तलाश तलाश का क्या मतलब होता है खोज तलाश का क्या मतलब होता है खोज उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए पहले हमने उसका अर्थ लिखा और फिर उस पर वाक्य बनाया अंडरस्टूड नेक्स्ट छा छा का क्या मतलब होता है छाया छाया से तात्पर्य रहे तो हम इस पे वाक्य बनाएंगे तले जमीन ऊपर अंधेरा मिलो तक मिलो तक सन्नाटा छाया हुआ ओके एक मुहावरा है मैंने उस पर क्या वाक्य बनाया तले जमीन ऊपर अंधेरा मिलो तक सन्नाटा छाया हुआ एक छाया की बात करी है और एक छाया की बात करी है। अंड जो हमें पेड़ देते हैं या फिर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ जैसे हम बोलते हैं उसका तात्पर्य इधर नाव थ्री आप खुद बनाएंगे जटाएं कुटिया मजबूत पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे ओके okay. फिर उसके बाद आप इस पर वाक्य बनाएंगे अंडरस्टूड एंड डू दिस बुक ओल्ली नेक्स्ट सही मिलान करो चटाई रस्सी किससे मिलेंगे नारियल के पेड़ से रबर और टायर किसके पेड़ से मिलेंगे रबर के पेड़ से अचार कौन से पेड़ से मिलेगा आम के पेड़ से और दातुन नीम के पेड़ से ओके घ ग, ग, ग क, ख understood? नाउ चिल्ड्रन listen टू मी केयरफुली नाउ टर्न योर पेज नारियल का पेड़ में अपने मन से रंग भरो. आपको इसमें बहुत सुंदर कलर करना है नारियल के पेड़ में ओके अपने मनपसंद कलर करेंगे आप और बहुत सुंदर और चिल्ड्रन आपको सारा का सारा वर्क अपनी बुक में ही करना है डोंट गेट कन्फ्यूज कि हमें वर्क किस में करना है आपको अपना सारा वर्कबुक का ये वर्क जितने भी प्रश्न हैं आपको अपनी वर्कबुक में ही करने हैं हिंदी की वर्कबुक में ही करने हैं। ओके आई होप नो कन्फ्यूजन सो चिल्ड्रन डू कंप्लीट योर वर्क एंड डू स्टडी एट योर होम And stay safe. Okay, children. Thank you and bye.